10 मिनट में 50 खबरें। लगातार विवाद के बाद राधे मां ने तोड़ी चुप्पी, कहा भगवान करेंगे न्याय। राधे मां के खिलाफ अब तक पुलिस ने नहीं की है कोई कार्रवाई, घर पर रखी जा रही है कड़ी नजर। फगवाड़ा में वीएचपी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल ने राधे मां पर लगाए संगीन आरोप, कहा आधी रात फोन करके देती हैं प्रलोभन। होशियारपुर में राधे मां के घर के बाहर लोगों का विरोध, हिंदू धर्म को बदनाम करने का लगाया आरोप। सुखविंदर कौर है राधे मां का असली नाम, पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था जन्म, मुकेरिया में हुई थी शादी। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक लड़ाई तेज, प्रधानमंत्री की रैली से पहले फाड़े गए बीजेपी के पोस्टर। रविवार को है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का की गया में रैली, पीएम की रैली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। आज नीतीश कुमार बिहार फाउंडेशन के दिल्ली चैप्टर का करेंगे उद्घाटन, दिल्ली में बिहार के लोगों से भी नीतीश करेंगे मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली में रह रहे बिहार के लोगों को प्रवासी बिहारी सम्मान से करेंगे सम्मानित। योग शिक्षक, ड्राइवर से सिक्योरिटी गार्ड, पुजारी और दूसरे कई पेशे से जुड़े लोगों को मिलेगा सम्मान। आज तक पर आज रात से शुरू हो रहा है बिहार चुनाव पर खास कार्यक्रम पाटलिपुत्र, बिहार के इतिहास और राजनीति के तमाम दिलचस्प किस्से देखिए रात 8 बजे। बिहार दौरे पर गए मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने राज्य के तमाम दलों की मुलाकात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने चुनाव आयोग के सामने 3 से 4 चरणों में चुनाव कराने की रखी मांग। बिहार में डीएनए विवाद पर राजनीति तेज, नीतीश कुमार की डीएनए पर चिट्ठी के बाद गिरिराज सिंह ने भी पत्र लिखकर मांगा जवाब। बक्सर से बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने बोलने के क्रम में नेताओं का वध भी करने की कही बात, बिहार को जंगल राज की तरफ धकेलने की कर रहे थे बात। दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों पर दिल्ली सरकार और नेफेड के बीच पत्र युद्ध, आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली सरकार ने प्याज देने की मांग। संसद परिसर में शुक्रवार को भी विपक्ष ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन, कांग्रेसी सांसदों के निलंबन के खिलाफ धरना भी दिया। संसद में हंगामे पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा जो विकास नहीं चाहते वो रोकते हैं संसद का काम। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की प्रतिक्रिया, सरकार ने बंद कर रखे हैं सुलह के सारे रास्ते। संसद परिसर में लेफ्ट ने भी दिया धरना, सीताराम येचुरी ने कहा जांच से क्यों भाग रही है बीजेपी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी आर्मी अस्पताल में भर्ती, प्रणब मुखर्जी उड़ीसा दौरा छोड़ वापस दिल्ली रवाना। केंद्र सरकार और नागालैंड के विद्रोही संगठन एनएससीएम आईएम के बीच समझौते के खिलाफ असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, 3 अगस्त को विद्रोही संगठन के साथ हुआ था केंद्र का करार। बृहद नागालैंड में मणिपुर की 1 इंच भी जमीन न देने कही मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने की बात, केंद्र पर बिना विचार लिए करार करने का लगाया आरोप। मिदनापुर में कांग्रेस और टीएमसी छात्र संघ के बीच भिड़ंत, एक की मौत, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। घाटी में एक बार फिर दिखी देशद्रोह की तस्वीर, श्रीनगर के जामा मस्जिद में लगाए गए आईएस और लश्कर के झंडे। याकूब मेमन को फांसी सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा को धमकी, घर में आई गुमनाम चिट्ठी। गुमनाम चिट्ठी मिलने के बाद बड़ी घर की सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। ज्वाइंट सीपी मुकेश मीणा ने बताया धमकी भली वाली चिट्ठी को लेकर दर्ज किया गया केस। सुरक्षा के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा को मुहैया कराई गई बुलेट प्रूफ कार, चिट्ठी में लिखा था किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे।
पुणे में एफटीआई प्रशासन ने 30 छात्रों को हॉस्टल खाली करने का दिया आदेश। 300 छात्र पूरी कर चुके हैं अपना कोर्स। छात्रों ने एफटीआई प्रशासन के आदेश को ठुकराया, कहा जारी रहेगा एफटीआई चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन। मुंबई में बीएमसी के स्कूल में आदित्य ठाकरे के टैब बांटने पर कांग्रेस ने साधा निशाना, योजना के पीछे बड़े घोटाले का लगाया आरोप। मुंबई में आज आईपीएल वर्किंग ग्रुप की होगी मीटिंग, सौरभ गांगुली और यूएन बैनर्जी भी होंगे शामिल। आईपीएल फ्रेंचाइजी और टीवी ब्रॉडकास्टर्स से भी वर्किंग ग्रुप की होगी बैठक, आईपीएल में टीमों की संख्या पर भी होगी बात। फरीदाबाद में ऑफिस से लौट रही दो बहनों पर मनचले ने चाकू से किया हमला, हमले में एक युवती की हालत गंभीर, खुद को भी चाकू मारकर आरोपी युवक पहुंचा अस्पताल, पीड़ित युवती के साथ करता था काम। आठ साल के मासूम की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, मेहरौली बदरपुर रोड पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन, दिल्ली के संगम विहार में गुरुवार को मिला था बच्चे का शव, परिजनों का आरोप, हत्या के पीछे चार लोगों का आरोप। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में कस्टम विभाग ने 22 टन गांजा किया जब्त, अधिकारियों के मुताबिक नागालैंड से कोलकाता लाया जा रहा था गांजा। कार सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर दिन दहाड़े किया एक छात्रा का अपहरण, मथुरा के हाईवे इलाके की घटना, बीएससी में पढ़ती है मथुरा में चंदन नगर की रहने वाली अपहरण छात्रा, बदमाशों ने घात लगाकर किया अपहरण। कौशंबी की सराय अकील में पुलिस ने शराब तस्कर गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस ने लग्जरी कार और बाइक से लाखों रुपए की शराब की जब्त। हरियाणा के नारनौल में निर्माणाधीन क्रशर के ढह जाने से 11 की मौत, नई दीवार की वजह से घटी घटना, कई लोग घायल। सरकारी बोर्डिंग स्कूल में आधी रात को गुंडों ने हॉस्टल से निकालकर की छात्रों की पिटाई, उत्तर प्रदेश के बांदा में बबेरों की घटना। बच्चों ने वार्डन से की थी हॉस्टल में मिल रहे खराब खाने की शिकायत, वार्डन पर आरोप, ठेकेदार से बोलकर छात्रों को स्थानीय गुंडों से करवाई पिटाई। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में सरकारी स्कूल की छत से गिरकर 11वीं के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, घटना से नाराज परिजनों ने स्कूल में जमकर किया हंगामा। रुड़की की गंग नहर में पुलिस ने तेल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, तेल की पाइपलाइन से करता था तेल चोरी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का रहने वाला है गिरोह का सदस्य, पुलिस ने दो कार समेत 7000 लीटर तेल से भरा टैंकर किया जब्त। सीरीज हार की कगार पर ऑस्ट्रेलिया की टीम, नॉटिंगहम टेस्ट में पारी की हार से बचने के लिए चाहिए अभी भी 90 रन। श्रीलंका में दिखा ईशांत शर्मा का दम, 5 विकेट चटकाकर तोड़ी प्रेसिडेंट 11 की कमर, प्रैक्टिस मैच की दूसरी पारी में विराट रोहित हुए फ्लॉप। आईएसआईएस के कब्जे वाले उत्तरी इराक में 2000 इराकी को फांसी देने की खबर, इराक के रक्षा मंत्री ने की खबर की पुष्टि, 2000 इराकियों की मौत की वजह और वक्त को लेकर रक्षा मंत्रालय के पास नहीं है जानकारी, इराक के उत्तरी प्रोविंस की यह घटना। गाजा में रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल ने किया हवाई हमला, हमास के ट्रेनिंग कैंप को बनाया निशाना। कुर्दिश आतंकवादी और पुलिस के बीच सिलोपी में झड़प में 3 लोगों की मौत, 7 लोग के घायल, पूरे की खबर। घटना से नाराज कुर्दिश वर्कर्स पार्टी के पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को दक्षिणी तुर्की के शहर सिजरा में रोका गया।